गाइस क्या खेलें? पकड़म पकड़ाई। ओके मगर कौन भागेगा और कौन पकड़ेगा? इजी तुम। रेस अब तुम मुझसे बच के दिखाओ। बाप क्या देख रहे हैं? यूट्यूब पर कोई नई समोसे की रेसिपी। ओह माय गॉड दैट ऑल वॉरियर्स। मुझे याद है जब लास्ट टाइम इन्होंने हमारी बुरी तरह धुलाई की थी। याद है ना बॉस? याद है? याद है क्या बुरी सजा हम लोग कुट कर आए थे? याद है? याद है आपको? याद है बॉस क्या तबियत से बेइज्जती की थी बॉस? हाय 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 कैसे पूछ सकता हूँ पागल नस्ली के बच्चे। ये मनहूस वॉरियर्स हमेशा मेरा प्लान खराब कर देते हैं। जैसे ही मुझे लगता है मैं इनको हराने वाला हूँ कोई एक वापस आ जाता है किसी नई तरकीब के साथ और पूरा प्लान चौपट कर जाता है। समझ ही नहीं आता इन तीनों पर कैसे नजर। मुझे समझ आ गया ये तीन है और मैं सिर्फ एक मासूम। यही वजह है कि ये मुझे हराने का सोच भी सकते हैं। काश बॉस काश आप तीन होते। मैं तीन? क्या बेवकूफों वाली बात है। लेकिन अगर मैं तीन, अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब बदलो ना अपना नाम। यस यस ये बच्चे डेटॉल यूज नहीं कर रहे और जर्म्स पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं। तो बॉस क्या सोच रहे हैं? क्या प्लान है? तुम क्या समझोगे बेवकूफ? मैं जरासीम का बादशाह हूँ। गंदगी मेरी जिंदगी है और अब इतने जरासीम फैल गए हैं मैं क्या बताऊं। अपना टाइम आ गया है। हेलो अली। हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर आपने कैसे याद किया? सब खैर है? काश सब खैर नहीं है अली। मेरी रीडिंग्स बता रही हैं कि जर्मून अपनी मैली कुचली आर्मी के साथ तुम्हारे स्कूल पर हमला करने वाला है। ओह नो! रेडी हो जाओ वॉरियर्स। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वाओ, जर्मून टाइम का काफी पाबंद है। वॉरियर्स, चलो इसको खत्म करने का वक्त आ गया है। इस बार मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। इस बार तुम वॉरियर्स नहीं बच पाओगे। लगता है कि मुझे बुखार है। मुझे तो तीन तीन जर्मून दिख रहे हैं। कोई बात नहीं सारा तुम राइट जाओ, रिस तुम लेफ्ट और मैं बीच वाले जर्मून को संभालता हूँ। गाइस अगर मैं जर्मून से लड़ूंगी तो बच्चों को मैले कुचैलों से नहीं बचा सकूंगी। आ, 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 आ,
हाँ, और अगर मैं बच्चों को बचाऊं, तो मुझे कौन बचाएगा जर्मून से? वॉरियर्स, ये लड़ाई हम ऐसे नहीं जीत सकते। ये तीन जर्मून बहुत स्ट्रांग है, हमें बैकअप की जरूरत है। अली, हम इन तीन जर्मन्स और मैली कुचैली आर्मी को फाइट करेंगे। तुम जाके बच्चों को डेटॉल वॉरियर्स बनाओ और हमारी डेटॉल आर्मी तैयार करो। जिल यार, हमारी फिक्र ना करो, तुम बस डेटॉल आर्मी को ले आओ। पाकिस्तान के बच्चों, जर्मन आज हम पे हमला कर रहा है क्योंकि आप सबने डेटॉल से हाथ धोना और सैनिटाइज करना छोड़ दिया है। इन बुरी आदतों की वजह से हमारे इर्द गिर्द जरासीम फैल गए हैं और जर्मून इतना ताकतवर हो गया है। हम सब को क्लीन और हेल्दी होना है ताकि हम जर्मून और उसके जर्म से लड़ सके। बहुत जरूरी है कि हम हाथ 20 सेकंड के लिए धोएं, हथेली से हथेली रब करें, हाथों के पीछे साफ करके डेटॉल फॉरियर बनो। और हमारे साथ मिलकर जर्मून और उसकी जर्म आर्मी का खात्मा करो। अब तुम्हारी कहानी खत्म। क्या बात कर रहे हो, कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्या कहा था मैंने? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस आ गए, तुम तीन हम और हमारी मैली कुचैली आर्मी से कभी नहीं जीत सकते। तुम गलत हो जर्मून, क्योंकि अब हमारे पास भी आर्मी है। क्योंकि फ्यूचर है हम, तुमने सारे जरासीम मार दिए, मेरी सारी पावर खत्म हो रही है। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एक आखिरी अटैक बचा है। ये मेरा सबसे खतरनाक हमला है, ये मेरा कोविड जर्मनेट है। एक दफा मैं इसका इस्तेमाल कर दूं, फिर तुम सब बीमार हो जाओगे और ये बीमारी और इसके जरासीम फैलते जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। ये लो, अब बच के दिखा। क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? अब तक तुम सब लोगों को बीमार हो जाना चाहिए था। That's right, जर्मून, तुम फिर फेल हो गए। तुम डेटॉल की जर्म फाइटिंग पावर के बारे में भूल गए। जब तक हम डेटॉल इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे हमलों से भी बचे रहेंगे और तुम्हारे कोविड जर्मनेट के कोविड 19 फैलाने वाले जरासीम से भी। डेटॉल की ताकत से हमने 99.9% जरासीम को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ तुम बचे हो। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने डेटॉल से हाथ धोए और जर्मून को मारने में हमारी मदद की। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो जर्मून वापस आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब डेटॉल से हाथ धोएं और रोज डेटॉल के इस्तेमाल से अपने आप को जरासीम